सैंदवा से 16 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा से सटे बड़ी बिजासन माता मंदिर में सोमवार सुबह 11 बजे से 5 बजे तक अन्नकूट प्रसादी बांटी गई। मंदिर समिति के उपाध्यक्ष मोहन जोशी ने बताया कि कोरोना काल के 2 वर्ष बाद मंदिर में अन्नकूट प्रसादी बनाई गई, जिसमें 108 प्रकार के पकवानों को मिलाकर कुल 11 क्विंटल प्रसादी बनाई गई, जिसे माता को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में बांटी गई। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह 11 बजे से अन्नकूट प्रसादी बांटी गई, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से आए श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। बिजासन से सचिन जायसवाल की रिपोर्ट। जय माता दी की। माँ राजराजेश्वरी बिजासनी की पावन धाम में आज माँ भगवती के मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया है। ये अन्नकूट प्रसादी 11 क्विंटल की है। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल होने के कारण प्रसादी वितरण का कार्यक्रम स्थगित रहा। अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी के दरबार में प्रसादी वितरण का कार्य सुचारू रूप से संचालित है। सभी भक्तजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। माता रानी से हमारा यही निवेदन कि आने वाले समय में ऐसी ही खुशहाली बनाए रखें और समस्त जन मानस को सुख सुविधा और स्वस्थ बनाए, ऐसा मेरा माता रानी से निवेदन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।